नमस्कार, आप सभी का अगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे किसी लोक सेवक द्वारा या लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा किसी भी लोअर कोर्ट में, जैसे अंचलाधिकारी का कोर्ट हो, DCLR का कोर्ट हो या ADM का कोर्ट हो, या किसी पदाधिकारी के झूठे रिपोर्ट का खुलासा गलत ढंग से किए गए ऑर्डर का, यदि आपके पास पर्याप्त साक्ष्य है उनके गलत मंशा के कारण किसी के पक्ष में या पक्षपात करते हुए किसी भी पदाधिकारी का, यदि आपके पास RTI के माध्यम से या किसी भी माध्यम से गलत रिपोर्ट, गलत ऑर्डर, गलत आदेश का प्रमाण है, तो इसके खिलाफ आप लोकायुक्त के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य के साथ आप शिकायत बाद दायर कर सकते हैं। चलिए, इस चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लें तथा इसे इतना शेयर करें कि इस हर भारतीय इसकी जानकारी आसानी से ले सके तथा एक लाइक अवश्य कर देंगे। मैंने यहाँ एक लोकायुक्त में परिवाद दर्ज किया है जिसमें भूमि सुधार उपसमाहर्ता DCLR द्वारा पद का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में यह शिकायत बाद है, जिसमें गलत मंशा के कारण पक्षपात करते हुए मनमानी ढंग से अभिलेख में भी दिनांक को, डेट को काट-कूट किया गया था तथा पक्षपात करते हुए किसी एक पक्ष को लाभ देने का प्रयास किया गया था। इसी के संबंध में मैंने एक शिकायत वाद दायर किया है, आप देख लीजिए। यह लोकायुक्त कार्यालय का से मुझे समन जारी किया गया था जिसकी सुनवाई मैं कर चुका हूँ। चूँकि बिहार में लोकायुक्त का पद अभी खाली है इसलिए अभी पूरी सुनवाई नहीं हो पाई है, यह सुनवाई अभी पेंडिंग है। आप लोग भी यदि कोई साक्ष्य हो या कोई सबूत हो जिससे किसी पदाधिकारी, लोक सूचना पदाधिकारी, लोक सेवक के द्वारा मनमानी किया गया ऑर्डर हो या रिपोर्ट हो, तो उसकी शिकायत आप साक्ष्य के साथ लोकायुक्त के समक्ष भ्रष्टाचार के कारण जो दुरुपयोग किया गया है पद का, उसके खिलाफ आप शिकायत वाद दायर कर सकते हैं। आप लोग देखें, यह मैंने शिकायत वाद दायर किया है जिसमें मैंने सुनवाई किया था और उसमें प्रारंभिक सुनवाई में प्रारंभिक दृष्टया DCLR को दोषी मानते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया था। यह देखें, उपयुक्त विषय आपके परिवाद दिनांक इतना के प्रसंग में कहना है कि आपके परिवाद की प्रारंभिक सुनवाई माननीय अध्यक्ष लोकायुक्त बिहार द्वारा लोकायुक्त कार्यालय 4 कौटिल मार्ग पटना एक स्थान पर दिनांक इतना को की जाएगी। निर्देशानुसार आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त निर्धारित तिथि को लोकायुक्त कार्यालय बिहार पटना के न्यायालय कक्ष में सुनवाई हेतु स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस प्राधिकार के समक्ष प्रारंभिक सुनवाई में उपस्थित हों और इसमें विफल ना हो। मेरा हस्ताक्षर कार्यालय मुहर के साथ दिया गया है। यह लोकायुक्त से मेरे नाम से सम्मन जारी किया गया था जिसकी सुनवाई मैं अच्छी तरह किया और इस वाद में प्रारंभिक जांच शुरू होकर आगे की सुनवाई जारी है। चूंकि अभी लोकायुक्त का पद खाली हो गया है बिहार में इसलिए यह बात अभी पेंडिंग है। आप लोग भी भ्रष्टाचार के कारण यदि किसी पदाधिकारी के झूठे रिपोर्ट, झूठे आदेश, गलत ढंग से किए गए आदेश, नियमानुसार मनमानी कर किए गए आदेश के खिलाफ आप लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस चैनल पर 3 प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगेंस्ट करप्शन, मस्ट यूज RTI और एक है हेल्थ इज वेल्थ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाकर
और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।